इस वीडियो में कवर करेंगे करंट अफेयर सितंबर का, और आधा अधूरा नहीं पूरा पढ़ेंगे करंट अफेयर पढ़ेंगे। और एक बात बता दे रहा हूं आप सभी को, जो भी करंट अफेयर इस वीडियो में कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सितंबर का ना, इस वीडियो में कवर करवा देंगे। और आपको अगर पूरा सितंबर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में टॉपिक वाइज कराएंगे, क्या क्या नियुक्ति हुआ है, क्या क्या पुरस्कार मिला है, खेल योजना, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस, टॉपिक वाइज कराएंगे। और आपको पता है एसएससी का जो भी एग्जाम हो रहा है, पिछले 3-4 महीने करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ लो ना तो एग्जाम में हो जाता है। तो सेप्टेंबर को अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, करेंट अफेयर आपको पढ़ना है 10 मिनट। अगर करेंट अफेयर भी 1 घंटा पढ़कर भी रिविजन कर रहे हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गया ना। तो करेंट अफेयर पढ़ना है सिर्फ आपको 10 मिनट, और पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे फटाफट, पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे जितना भी सितंबर के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च हुए किताब, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने वो आपका कवर करेंगे इस वीडियो में। आप सभी भी आंसर देना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये जो पुस्तक आया है सितंबर के महीने में 22 में, ये पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, थोड़ा फटाफट करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। योगेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन नंबर हमारा बी। आप सभी सिर्फ जज करिएगा। पहला क्वेश्चन बोला है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, ये किताब कौन लिखा है, तो ये किताब लिखा गया आपका मंजू पारा कल्लू भाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन अगर बात करें हम सभी, एक किताब आया था मुस्कुराते चांद लमे और कुछ खामोशिया, ये किताब कौन लिखा था, तो याद रखिए ये किताब लिखा था आपका जीवेश नंदन, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें सितंबर में और कौन कौन सा किताब आया, एक किताब आया था लतासुर गाथा, ये किताब कौन लिखा था, तो इस किताब को लिखा गया था इरा पांडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगर सितंबर में और कौन सा इंपॉर्टेंट किताब आया था, एक किताब आया था फॉरिंग मेटल लुपेंदर राव एंड द पेनियर स्टोरी, ये पुस्तक को कौन लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखा गया पवन सी लाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें सितंबर में और कौन सा किताब आया जो आपको पढ़ना है, तो एक किताब का जो उद्घाटन किया गया, जिस किताब का नाम था अंबेडकर मोदी रिफॉर्म्स आइडिया परफॉर्म इंप्लीमेंटेशन, इस किताब को कौन लॉन्च किया था, किसी को याद है, कोई मेरा भाई, हर सवाल में हम ही आंसर देंगे। अच्छा लाइव चल रहा है ना, बहुत बार क्या होता है क्लास लाइव ही नहीं चलता है। इसका आंसर क्या होगा, पवन सी लाल, ईरा पांडे। इसका आंसर क्या होगा, कौन लॉन्च किया था, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, इसका आंसर स्किप कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन लॉन्च किया था, रामनाथ कोविंद के द्वारा, रामनाथ कोविंद। और एक बात याद रखिएगा, इस किताब को लिखा कौन था, सांसद है ना इलियाई राजा, उनके द्वारा ये किताब जो है वो लिखा गया था। इतना किताब के बारे में आपको सितंबर महीने में पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पुस्तक लॉन्च हुआ सितंबर में। अब बात करते हैं कि सितंबर में जितना भी खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्या क्या खेल से जुड़ा प्रश्न आपको पढ़ना है, वो टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। पहले याद रखिएगा, जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर थे कौन, कॉलिन ग्रैंडहोम, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ये किस देश के लिए खेलते थे, तो आपका न्यूजीलैंड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगर अगला बात करें हमारे सामने, 8वां विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हो रहा था, न्यू दिल्ली, बर्लिन, पेरिस और लिमा, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरू में, और पेरू का राजधानी क्या है आपका, लिमा, ठीक है। और एक बात कोई बताएगा भाई, रामनाथ कोविंद। अच्छा एक बात और कोई बताओ, पहला महिला कौन थी जो इस वर्ल्ड तैराकी चैंपियनशिप में क्वालिफाई की थी, भारत की पहली महिला बनी, नाम बताओ आप सभी, किसी को याद है तो, ये पढ़ना है एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्ट पूछे तो, किसी को याद है, न्यूजीलैंड, किसी को याद है, नहीं याद है, कमेंट्स नहीं आ रहा है, सितंबर का महीना करंट अफेयर है, अपेक्षा फर्नांडिस, अपेक्षा फर्नांडिस पहली महिला थी जो तैराकी चैंपियनशिप के लिए जो है वो क्वालिफाई की थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, T20 में 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो याद रखिएगा रोहित शर्मा। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, ये पूछेगा, अगर ये नहीं पूछे ना तो ये जरूर पूछेगा,
कि 4000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी विराट कोहली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डच फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 22 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है डच फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप ये पूरा देखेंगे ना प्रतियोगिता, जितना भी कार रेसिंग गेम हुआ है 90% ना एक ही खिलाड़ी जीतता है। कौन? ऑप्शन नंबर सी। मोबाइल बार बार बंद क्यों हो जा रहा है? रोहित सही है, मैक्स वर्स्टपन। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या बोला? लिविस हैमिल्टन नहीं होगा दीपक, उसका आंसर गलती है। क्वालालंपुर में मलेशिया आयु समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एकदम याद रखिएगा, अनिस्का बियानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? 22वां दुबई ओपन शतरंज प्रतियोगिता ये किसने जीता है? फटाफट मैक्स, हाँ याद रखिएगा मैक्स। कमेंट लेट आ रहा है क्या? सी सी, इसका आंसर क्या होगा आपका? अरविंद चिदंबरम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन पूछेगा, नीरज चोपड़ा ने निम्नलिखित में से किस चैंपियंस में, मतलब भाला फेंक में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं? तो ये क्वेश्चन करवाए बीते सुबह 8 बजे डायमंड लीग चैंपियनशिप में, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ले साइकिलिंग विश्व कप जो ले लद्दाख में जो साइकिल का चैंपियनशिप हुआ था उसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों में कौन सा देश जो है वो पहले स्थान पर रहा था? जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशिया कप 22 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, नहीं भैया भारत तो हार गया था, श्रीलंका। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर में, एकदम याद रखिएगा, दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच का मेजबानी करने जा रहा था? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इसका आंसर बता दो। इसमें भी मैक्स है क्या? इसमें भी मैक्स है, बताओ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सीखा, क्या बात है भाई, मैक्स। बोले ना 80% क्वेश्चन का आंसर यही होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, ऐसे तो मेसी रोनाल्डो नेमार का सबका बहुत आगे, 100 मिलियन के पार है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बेलग्राड सर्बिया में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का 76वां इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? एकदम प्रणव आनंद, ऑप्शन नंबर डी। ये मत याद रखिएगा, बहुत बार आप लोग ये आंसर बोल दोगे क्योंकि ये पहले थे, 76वां जीता कौन है? प्रणव आनंद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बांग्लादेश ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर सैफ यानी फुटबॉल महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने हराया था नेपाल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो एक क्वेश्चन ये बोला हमारे सामने, चेन्नई में जो टेनिस प्रतियोगिता हो रहा था ये जीता किसने है? तो ये जीता गया है लिंडा क्रूवीरतोवा के द्वारा, और ये किस देश की है? तो ये चेक रिपब्लिक की है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस ओपन जीता है? चेन्नई ओपन, तो ये तो यहीं पर करवा दिए थे, चेन्नई ओपन उन्होंने ही जीता है, तो नाम तो आपको पता होगा यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत 23 में निम्नलिखित में से किस शहर में अपनी पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, नई दिल्ली में होने वाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर बॉम्बे टूर में साउथ जोन को हराकर वेस्ट जोन ने दिल्ली ट्रॉफी 22 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, आप सभी आपसे पूछे दिलीप ट्रॉफी ये किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, आपको पता है किसने जीता है? साउथ जोन ने जीता है। उस टीम के कप्तान कौन थे? तो अजिंक्य रहाणे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है,
फीफा ने किस भारतीय खिलाड़ी को जो है उनके जीवन के ऊपर उनके कैरियर के ऊपर 3 एपिसोड की श्रृंखला जारी की। बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, तो बहुत बड़ा बात है। और किसके ऊपर? सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रोजर फेडर ने 22 सितंबर को टेनिस को अलविदा बोल दिया था। रोजर फेडर ने अपने पूरे करियर में कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं आपको यह बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हालांकि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच, कल भी एक टूर्नामेंट जीत गए। इसका आंसर क्या होगा? 22। सुनील छेत्री 22, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, क्या होगा? 20। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा, अभी मैंने बताया सैफ जो फुटबॉल प्रतियोगिता था महिला वाला, वो कौन जीता था? तो बांग्लादेश। अंडर 17 वाला कौन जीता? भारत। किसको हराकर? तो ये हराकर नेपाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अब एक बात और, स्टैटिक जीके का सारा टॉपिक आप ले लीजिएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन सुनो, जितने भी नियुक्ति है, जितने भी अपॉइंटमेंट है सितंबर में, जितना भी नियुक्ति हुआ है उसको भी एक बार रिवीजन कर लीजिए आप सभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाव प्रभाग के महानिदेशक के रूप में, अच्छा मतलब डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया ऑल इंडिया रेडियो का, बताइए फटाफट। डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, राजीव कुमार, दीक्षित जोशी और आर के गुप्ता, डॉक्टर वासुदेव गुप्ता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट, थोड़ा क्लास फटाफट करवाएंगे, जल्द फटा जल्दी। ठीक, कमेंट्स नहीं आ रहा यार, है ना, जल्दी कमेंट्स लेट आ रहा है क्या, जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्टारबक्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? सभी को पता है, भूलिएगा भी मत, ठीक है। उनको अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको बताना है किसका, क्या क्या है, नालसा, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई और ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, नालसा का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, बोला किच्चा सुदीप को पुण्य कोटि दूत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पहला बात तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जो ये योजना है ना, ये जो योजना है वो कर्नाटका का योजना है। ये योजना क्या है, योजना जो है वो गाय को बचाने के लिए, गाय को कैसे बचाए, गाय को कैसे दे संरक्षण, उसके लिए योजना लॉन्च किया गया था काऊ के लिए, किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय नौवहन निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। योजना याद रखना, इस टॉपिक में ना हम अपॉइंटमेंट और योजना दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी देखते चलिएगा फटाफट। कर्नाटक, विनेश कुमार त्यागी, बहुत बढ़िया भाई, विनेश कुमार त्यागी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कनाडा में भारत के अगले ऊंचा एम्बेसडर कौन बनेगा? तो संजय कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, तैमूल जोसेफ जेबराज को किस बैंक का उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है और एमडी? तो आईडीबीआई बैंक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? एक एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में, वॉल्कर टूरक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? प्रिंस चार्ल्स III, ठीक है,
अब एक एक चीज आप लोग कमेंट्स करो, आप लोग अपने आप को जज करो कितना आंसर आप लोग दे पा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छा एक कपड़े की कंपनी है, जिस कंपनी के कपड़े का नाम है अपैरल, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडिगो का नया सीईओ किसे बनाया गया, हवाई जहाज कंपनी, तो याद रखिएगा आप सभी पीटर एल्बर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने महानगर गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को रट्टा मारना यार। महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष किसे बनाया गया, फटाफट, महेंद्र विश्वनाथ अय्यर, क्या बात है भाई, कॉमेंट्स गायब क्यों हो जा रहा है, अरविंद 112 लोग, संतोष अय्यर, संतोष अय्यर गलती आंसर है बाबू इसका, संतोष अय्यर गलती आंसर आ रहा है, महेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर, नारायण एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एकदम याद रखिएगा किसको, फटाफट, प्रसाद, बहुत बढ़िया भाई, कहाँ गए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA, प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपील नया अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मुनीश्वर भंडारी। मुनीश्वर भंडारी कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, तमिलनाडु का, ये कल ही करवाए, आज करवाए थे, कल करवाए थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर, वरिष्ठ राजनीतिक सेवी जॉर्ज को निम्नलिखित में से किस देश में अगले भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जापान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे, मुकुल रोहतगी। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को देखते चलना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बोला है, जाओ लॉरे को ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो पदभार संभाला है, एकदम याद रखिएगा एंगोला, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे वरिष्ठ राजनीतिक प्रकाश चंद को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, इटिरिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर बोला है इंडसलैंड बैंक ने प्रबंध निदेशक बनाया, सीईओ बनाया किसको, सुमंत कथपालिया को। आपको बताना है इंडसलैंड बैंक का टैगलाइन क्या है, एग्जाम में जाने से पहले जितना भी बैंक है जो इंपॉर्टेंट बैंक है उसका एस्टैब्लिश कब, उसका गठन हुआ ये आप देख लीजिएगा, उसके बाद उसका हेडक्वार्टर और उसका टैगलाइन, ये कम से कम आप देख लेना, ठीक है। हम है ना ख्याल आपका, हटाओ ना, नेम यू कैन बैन, अब ये भी नहीं होगा, कर क्या होगा, वी मेक यू फील रिचर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बोला है एनएलसी कंपनी का जो एमडी और सीईओ है, सीएमडी प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, फटाफट आप सभी को भी आंसर देना है बाबू हर सवाल का। प्रशांत कुमार मथुपालिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है एम्स का दिल्ली के निदेशक कौन बनाया गया है, डॉक्टर एम श्रीनिवासन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बोल रहा है कि हॉकी इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भाई, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया, दिलीप तिर्की को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताओ, ये काट दो ना, ठीक है काट क्या दो, डॉक्टर राजीव बहल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में यानी NCGG, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसका किसे नियुक्त किया गया है, राजीव बहल, इसके पहले वाला था आंसर, ठीक है, इसका आंसर भारत लाल। डी
सबका डी आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय ओलंपिक संघ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया किसको? निधि खत्री, सुनील वाजपेयी, संजय अग्रवाल, एल नगेश्वर राव। स्किप, एल नगेश्वर राव सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रेल टेल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेल टेल का अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेल टेल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजय कुमार, संजल कुमार होगा। ठीक है, संजय कुमार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जॉर्जिया मोलानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इटली का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर बोला है आप सभी को कि स्टैटफिन के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, विजेश जसूजा, संजय खन्ना। संजय कुमार, इटली का क्या होगा? अजय चौहान। ठीक है भाई, आंसर ठीक है, विजय जसूजा आंसर, ये गलती है, ठीक है ना, विजय होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईएसआईसी का महानिदेशक किसे बनाया गया? राजेंद्र कुमार को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब सऊदी अरबी में क्या होता है? प्रधानमंत्री नहीं, वहां पर राजा होता है, बताओ। मोहम्मद बिन सलमान, बहुत दिन से ये तो उस पद पर कहां गए, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका आंसर आप लोग बता देना यार, देखते हैं कितने लोग गलती देते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में गलती हो भी नहीं सकता किसी से भी। बताओ नया चीफ कौन बना है डिफेंस का? आसान क्वेश्चन ये वाला, इसमें कोई गलती कर देगा तो बात खत्म हो गया यार, कोई गलती मत करना। क्या बात है, बी यार, बी कैसे बोल रहे हो यार, ये सब क्वेश्चन में गलती होने वाला चांस है, भूल से भी गलती नहीं हो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर अगला क्वेश्चन, वह 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान, अच्छा ये भी आंसर बोल देना, एस्ट्रोनॉमी जर्नल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? ये सब सवाल में भी गलती नहीं होना चाहिए, ये सब सवाल तो बाबू आपको डेली जीवन में पढ़ना है, फिर इसमें गलती हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या होगा? अनिल चौहान सही है। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, बड़ा कर दे क्या, क्लियर बड़ा कर दे, एक मिनट रुक जाओ यार, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। इसका आंसर क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, मुकुल रोहतगी, बहुत बढ़िया भाई, चेंज हो गए थे ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां से देखना सिर्फ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, नेपाल के साथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आप सभी से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस प्रकार के कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीन जो है बनाया गया, किसके लिए? तो याद रखिएगा, ग्रीवा कैंसर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छात्रों के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? पहला, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत, अच्छा
एक एक चीज याद रखिएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत भर में डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच में ना, ताकि डिजिटल को लेकर जागरूकता लोगों के बीच में फैले, उनके लोग जितना भी काम होता है वो काम सब लोग सीख पाए, इसके लिए इस संस्था ने जो है वो किसके साथ समझौता किया है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अब बताओ एडोब या गूगल? बहुत बढ़िया भाई, एडोब, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, नाम याद रखिएगा, सैरेक्स 22 का समापन किया है? कहां पर? चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश की महिला एथलीट्सों विशेषकर युवाओं का समर्थन करने के लिए साथ, अच्छा एचएसबी इंडिया ने, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है यार, ये शायद सीपीओ के एग्जाम में बन चुका है सेम क्वेश्चन, ये सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है यार, हम कल ही देख रहे थे, याद रखिए क्वेश्चन को ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? फर्स्ट एडिशन होम्योपैथी के गौरव के लिए दुबई, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना एचएसबीसी वाला कहां गया, ये याद रखिएगा ठीक है, क्वेश्चन सीपीओ में बन चुका है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कहां पर, दुबई में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने 13 देश के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास, इस अभ्यास का नाम दिया गया है सिनर्जी के डिजाइन और संचालन के लिए सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के साथ सहयोग किया है, तो TRT-IN। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 30 सितंबर तक पूरे देश भर में राष्ट्रीय पोषण महीना मनाने का निर्णय लिया था, मनाया गया था, कौन सा एडिशन? पांचवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने ग्रामीण पिछड़ा, अच्छा सुअर को पालने के लिए ना जो है एक योजना चलाया गया था, बताओ किस राज्य सरकार के द्वारा, जल्दी से, मेघालय, क्या बात है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बोइंग इंडिया के अनुसार किस वर्ष तक भारत का जो हवाई यातायात है लगभग 7% तक बढ़ जाएगा, इस संस्था के अनुसार 2040 तक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर बोला है आप सभी को, व्यवसाय में महिलाओं के लिए आसान ऋण सूचित करने के लिए उद्देश्य किस राज्य ने महिलाओं के लिए चलाया योजना, जिस योजना का नाम है महिला निधि, एग्जाम में पूछे महिला निधि जो है, निधि जो है वो किस राज्य सरकार का योजना है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है यार, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कृषि उत्सव एक नाम याद रखिए, त्योहार से अगर पूछेगा आप सभी से एग्जाम में ना, नुआखाई जो है वो किस राज्य का त्योहार है, उड़ीसा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस कंपनी ने चाकण पुणे में एक विनिर्माण संयंत्र शुरू करके भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया, किस कंपनी के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू एनर्जी मोटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, समर्थ एग्जाम में पूछेगा, समर्थ पोर्टल जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड, क्या बात है भाई, क्लियर तो दिख रहा है यार, अब कैसे क्लियर चाहिए, डी यूके, उत्तराखंड नहीं होगा यार, इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड,
उत्तराखंड, ये था क्या योजना? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ये क्या था? वहां पर जितने भी सरकारी स्कूल है, कितने टीचर आए कितने टीचर नहीं आए, सबका डाटा रखेगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, जिसका नाम दिया गया है वेंटोर राइज, ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आसाम और कर्नाटका के द्वारा? फटाफट, बहुत क्वेश्चन करवा दिए, टाइम कितना 34 मिनट में 90 क्वेश्चन करवा दिए ऑलमोस्ट। बहुत बढ़िया भाई, उत्तराखंड आगे, वेस्ट बंगाल नहीं होगा इसका आंसर। मनीष का आंसर सही, कर्नाटक। ये योजना क्या बोल रहा है? वहां पर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, अगर वो अच्छा काम करेगी तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इस योजना कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक का योजना था। किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है? गान तो नहीं पूछेगा आप सभी से, एग्जाम में एक चीज पूछ सकता है जो आप सभी से, 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ था? गुजरात में, वो तो अहमदाबाद दिया ही गया है। 36वां राष्ट्र खेल में कितने खेल को शामिल किया गया था? 36। अब एक चीज पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि 36वां राष्ट्र खेल का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट, कोई भाई बता पाएगा? एग्जाम में पूछेगा 36वां राष्ट्र खेल का मैस्कॉट क्या था और इसका शुभारंभ किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कोई बता दे कि मैस्कॉट क्या था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बाबू मैस्कॉट के बारे में। क्या बात है, कोई बता दे। हेलो पलक, हेलो पलक भाई, नाम बता दो, किसी को याद नहीं है, जबकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हम पीडीएफ में दिए हैं आप सभी को। क्या था? सवज, जो शुभंकर था वो क्या था? सवज, 36वां राष्ट्र खेल का। अच्छा, अगला राष्ट्र खेल कहां होने वाला है ये भी करवाएं, गोवा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, अच्छा, भरतोल गांव राज्य का पहला गांव बन गया जहां हर घर में आरओ का पानी आ रहा है। आपको बताना है ये गांव कहां पर है, किस जिले का गांव है, बताओ बताओ, जहां पर पानी आरओ का आ रहा है हर घर में। बहुत बड़ा बात है भाई, हर घर में पानी आ रहा है आरओ का, कहां पर है ये? बरेली। बहुत बढ़िया भाई, अगला को, अच्छा बरेली कहां पर है ये भी सुन लो, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार ने राष्ट्र राजधानी दिल्ली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजपथ का नाम क्या रखा गया? कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय बैंक के अनुसार भारत 27 में जर्मनी को और 29 में जापान को पीछे छोड़ देगा विकास दर में? ये किसने बोला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी भारत से पहले से दो देश रह जाएगा, कौन कौन सा? एक तो आपका चाइना और दूसरा आपका अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मोदी जी ने, किस देश के पीएम ने मैत्री सुपर, ये भी याद रखिएगा बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए डील साइन हुआ था किस देश के बीच में? चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मोदी जी ने एक नई पहल शुरू की गई है, इस पहल का नाम है पीएम सीरी योजना, इस योजना का फुल फॉर्म क्या है आपको बताओ? 14,500 स्कूल को स्टैंडर्ड बनाने का योजना है, बताओ इस योजना का फुल फॉर्म क्या था? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री सेवा फॉर राइजिंग इंडिया, क्या बात है, 93 पे है। गलती है, डी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
किस राज्य ने राज्य की छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां की राज्य की छात्राओं के लिए मधुमई पेन आधुनिक महिला योजना शुरू किया गया था किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कौन सा राज्य जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा गांव था, कौन सा गांव था यार, दासपुर, दासपुर गांव का नाम था, ये कहां पड़ता है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आसाम और मणिपुर में, तमिलनाडु, सही है बिल्कुल भाई, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत और किस देश के, अच्छा, कुसियार नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौता पर डील साइन हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी आपराधिक मामलाओं में फॉरेंसिक जांच जो है वो अनिवार्य कर दिया है, कोई भी अगर केस होगा उसमें फॉरेंसिक जांच जो है वो हो सकता है, इंपॉर्टेंट कर दे, कंपल्सरी कर दिया गया है, किसके द्वारा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण किस राज्य में खोला गया, लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के किस भाग में घटियान, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्रैब जो है ना उसकी प्रजाति जो है वो खोजी गई थी, ये खोजा कहां पर गया था, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में, फटाफट ये सारा क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, शायद और छूट गया है इसके अंतर्गत, देख लेते हैं। कर्नाटका, क्या बात है भाई, और कोई ऑप्शन है, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का बन सकता है भाई ये क्वेश्चन, भारत जोड़ो, जोड़ी नहीं जोड़ो होगा, जोड़ो यात्रा कितने रास्ते हो गुजरेगा, और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, कितने किलोमीटर का था, तो 3570 किलोमीटर, बाप रे बाप, सोचना पड़ेगा यार, कलेजा निकल जाएगा, 3570 किलोमीटर चलने में सोचना पड़ेगा भाई, तो इसी लोग चल रहा है यार इतना किलोमीटर, हम यही सोच रहे हैं, 3570 किलोमीटर ना सुन के मतलब कलेजा हिल जा रहा है, हम लोग जाते हैं बाबा धाम 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर उतना भी नहीं, उससे भी कम है, 120 किलोमीटर मानो ना, उतना चलने में रास्ता में देखते हैं कितनी औरत लोग का पैर खुल जाता है, कितनी औरत लोग वहां से गाड़ी पकड़ लेती है, नहीं जा पाएंगे, मतलब हालत खराब होता है 120 किलोमीटर चलने में, 3570 किलोमीटर कैसे कोई चलेगा यार, सोचने वाला बात है, हम लोग, हम तो जाते हैं ना बाबा धाम, 120 किलोमीटर में हालत खराब होता है चलने में, और ये लोग मतलब डेली 40 किलोमीटर चल रहा है, बाबा धाम जाते तो सब 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलता है, उसमें हालत खराब हो जाता है, भगवान जाने कैसे चल रहा है। नीति आयोग द्वारा किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बताओ, पंद्रह नहीं होगा पीजी बोर्ड, 15 नहीं होगा, 12 जिला, 12 होगा, ठीक है ना, सत्तर 12 स्टेट याद रखिएगा, हरिद्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, ये तो अभी करवाए थोड़ी देर पहले ना, एक अनाज का फसल का कटाई के बाद मनाते हैं नौवा खाई उत्सव उड़ीसा में, ये तो करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत में हेल्थ केयर सेक्टर को किस वर्ष तक $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा, मतलब जितना भी हेल्थ सेक्टर है उसका कमाई बजट 2029 तक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने छाता नाम से, छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है, बता दो, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पढ़ लेना बाबू एग्जाम से पहले, 23 में पूछेगा, 22 में किसी एग्जाम में नहीं पूछा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बोलेगा, किस नदी के ऊपर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का योजना किया है, बनाया है बांध, बताओ। पहला तो आप याद रखिएगा वो डैम का नाम, बांध का नाम याद रखा, गिया जी, ठीक है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया, फाल्गु नदी के ऊपर। ये क्वेश्चन याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूं, नदी का नाम, बांध का नाम और किसके ऊपर बनाया गया, दोनों चीज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय, अच्छा पश्चिम बंगाल को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर 2025 तक टीबी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुआ है। ये शुरुआत जो है, जो वर्चुअली इसका उद्घाटन कौन किया था, देश की राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष होगा, बताओ, 22वां संस्करण का, तो उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा में खोला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। ये सब क्वेश्चन जितना भी आ रहा है ना वन लाइनर, अभी ये सब आप देखते चलिएगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और आपका तेलंगाना। तेलंगाना, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर भारत का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, पहला भारत का, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सूचकांक है ना, ग्लोबल क्रिप्टो, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 22 में भारत का जो रैंक है ना, याद रखिएगा भारत का रैंक है चौथा, और एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर है आपका वियतनाम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को, किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया, तो अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने सीएम द हसी नाम से योजना शुरू किया गया है, नाम में ही आंसर छुपा है, बताओ। बी, सीएम द हसी कौन लॉन्च किया ये वाला पोर्टल, आम जनता का जो भी शिकायत है वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए, ताकि सरकार जो है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ सके, लॉन्च किया गया मणिपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक क्वेश्चन बोला है, तैराक है जिनका नाम है एल्विस अली हजारिका, ठीक है, जिन्होंने उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाली पहले व्यक्ति बन गई है, वो किस रास्ते संबंधित है, बताओ ये किस रास्ते है, क्या बात है, अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर बोला है आप सभी को, यहां पर आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए हमर बेटी हमर मान, यानी हमारी बेटी हमारी सम्मान नाम से एक अभियान चालू किया गया, ये योजना, ये स्कीम जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का है। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले ने बैंकिंग कार्यों का, अच्छा 100% उस जिला में लोग जो है ना वो बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन का, ये हुआ है पहली बार, कौन सा जिला बना है भारत का, तो लेह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस कंट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया, रेक कंपनी को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार लगता है छूट गया यार इस क्लास में, 25-30 क्वेश्चन पुरस्कार से था, दिख नहीं रहा है। सही बात समानता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 22 में भारत का रैंक कितना है? 40। एक नंबर पर कौन है? एक नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केरल का कौन सा क्षेत्र भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल संचार पंचायत बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ कर जाइएगा, एकदम बनेगा बाबू, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बना है पहला ई पंचायत? तो पल्लूपारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला आदिवासी समुदाय, अच्छा आदिवासी समुदाय आधारित विश्वकोश प्रकाशित किया है? तो उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो अमेजन, जिसको लगभग 1,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दास्ता में रह रहे हैं, बताओ, मॉडर्न में? तो 50 मिलियन लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का सबसे लंबा रबड़ बांध, ये तो अभी करवाए ना बिहार में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां से सितंबर के इंपॉर्टेंट एक बार डेट देख लो, डेट क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको डेट पढ़ना है एक बार, ठीक है। विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कॉकोनट डे, बहुत बार पूछा, 2 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, लिटरेसी वाला, इसका थीम क्या होगा इस बार का? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो थीम होता है वो एक जैसा होता है बाबू, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में जो थीम होता है वो एक जैसा होता है हर साल। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। विषय क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ठीक है, ये विषय है 2022 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व पूर्व संध्या दिवस ये मनाते कब है हम लोग हर साल? विश्व पूर्व संध्या दिवस 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर बोला है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल 8 सितंबर, 7 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर। अवार्ड छूट गया, दिख नहीं रहा अवार्ड, अवार्ड छूट चुका है 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट की तो बार बार एग्जाम में पूछता है, विश्व रैली दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 22 का सितंबर महीना मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर के बीच में। इस वर्ष का विषय क्या दिया गया है, इस बार का विषय क्या दिया गया है? इस बार का विषय दिया गया सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, ऑप्शन नंबर ए। और आपको मैं बोल दूं, हमको दिख नहीं रहा है क्या अवार्ड इस क्लास में, ना अवार्ड छूट चुका है बाबू, क्योंकि अवार्ड से भी ना 30-35 क्वेश्चन था, किसको क्या पुरस्कार मिला है वो कॉपी नहीं हुआ है। एक काम करेंगे, आपको ना पीडीएफ हम दे देंगे, हालांकि सितंबर का पूरा पीडीएफ दिया गया है, इतना भी क्वेश्चन पढ़ लिए ना और 50-60 क्वेश्चन बचा है, पूरा सितंबर रिविजन कर लीजिएगा। थोड़ी देर बाद ना हम टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ डाल देंगे पूरा सितंबर का, आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है, पूरा सितंबर। और आपको एक महीने कम से कम और पढ़ना, 2 महीने का, एक तो अगस्त और एक आपका अक्टूबर, ये 2 महीने का भी आपको रिवीजन करना है। थोड़ी देर बाद जो है वो पीडीएफ डाल देंगे हम,